नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए राजस्थान प्रदेश की समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में कार्यरत गैस फैकल्टी अनुदेशकों के द्वारा समय समय पर किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। प्रदेश की राजकीय ITI में कार्यरत गैस फैकल्टी अनुदेशकों द्वारा विगत समय से राज्य की राजधानी जयपुर के 22 गोदाम पर 500 से अधिक अतिथि अनुदेशकों द्वारा उक्त सरकार से नियमितीकरण की मांग जोर शोर से की गई। आज अपन सब एकत्रित हुए, सबका मकसद एक है, लेकिन मकसद जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे राजस्थान की सारी ITI में। इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों द्वारा ITI संविदा कर्मी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य संगठन के पदाधिकारी से संपर्क किया और जल्दी समस्या का समाधान करने की बात कही। सारी चीजें इस बारे में नॉलेज है कि पहले आप ITI में इंस्पेक्टर जो संविदा पे लगे हुए थे, सबको पिछली सरकार से हमने बड़ी मुश्किल से उस संविदा पे तो नहीं रखे, फिर गैस फैकल्टी में एक नया नाम दे के रख दिया, और इसी वजह से आज सरकार जो है संविदा के नाम से जो विभागों में लेटर दिया है, शायद आपके विभाग में भी लेटर तो आया ही है। नहीं आया सर। विभाग में लेटर नहीं किया है, नहीं मांगा सर। वो लेटर एक सामूहिक लेटर है और उनका दायित्व सर, उस सामूहिक लेटर में हमारे डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है, वो नाम हमारे सारे साथी कोई आए हुए हैं और 300-350 की संख्या में वहाँ बैठे हैं, सुबह से बिना कुछ खाए पिए बैठे हुए हैं, और सब परमानेंट करने के लिए आप तो अभी कुछ भी दिए, हम तो बिना मिले जाएंगे नहीं, तो फिर बीटी कला साहब उठ के खुद आए वहाँ से सभा छोड़ करके हमसे अलग से मिले। फिर उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी कैसे आती है, तो हमने कहा कि हमारी सैलरी तो बैंक में आती है, तो वो ये पूछ रहे कि आपकी कोई पिछला तो नहीं है, आपको कोई किसी तो नहीं था, मैंने कहा नहीं सर हमारी सैलरी इसमें आती है, तो फिर उन्होंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी सैलरी इसमें आती है, तो मैं आगे कुछ कर पाऊँगा, तो आपका सारा रिकॉर्ड है तो मेरे तक पहुँचा हुआ। आप सीएम साहब की जो कार्य पद्धति है, जो आज की जिम्मेदारी बीडी किल्ला साहब के पास थी, तो वो वहाँ बैठे हुए थे है ना, तो उन्होंने आने के लिए मना कर दिया था, लेकिन हम डट गए, हमने कहा चाहे 8 बजे या 10 बजे हम बिना सूचना लिए नहीं जाएंगे। फिर उनको बुलाया गया, दोबारा फोन किया, 4 बार फोन किया, जिसके बाद उन्होंने सूचना दिए ठीक है मैं आ रहा हूँ, इनको रोको। हमारे साथ में और भी थे, वो वहीं थे, उनको मना कर दिया कि आज नहीं आएंगे, लेकिन हम डटे रहे। फिर वो आए थे, उन्होंने हमारे सामने सिर्फ एक ही बात रखी है कि आपकी सैलरी कौन देता है, अरे अकाउंट में आती है या कोई प्लेसमेंट वाला देता है। हमने कहा हमारे अकाउंट में सैलरी आती है, बस ये के उन्होंने कह दिया तुरंत, उनका जो PA था कि इसके लिए कार्रवाई की जाए तुरंत तुरंत। हमने सबके लिए कहा है, देखो 3 महीने से जो लगा हुआ है उसको भी सैलरी अकाउंट में मिल रही है ना, 10 दिन वाले को गवर्नमेंट सैलरी देगी ना, उन्होंने ये कहा है गैस फैकल्टी थ्रू होगा ना, उसको बेनिफिट सबको, ऐसे पैसों वालों का क्या होगा। तो आप जो नए लगे हुए हो वो उसमें आगे ना जुड़ गए ना, हमने क्लियर कहा है कि सर हम 500 और 700 के बीच में, उन्होंने तुरंत लिखा है ना, और उसके बाद ही हमें कहा है कि अब आप आराम से अपनी जो रैली प्रदर्शन कर रहे हो उसको उठाओ और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, जो और का जैसे होगा ना उसी में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत। यह पूरा घटनाक्रम जी राजस्थान न्यूज संवाददाता द्वारा TV पर प्रसारित किया गया। सभा की ओर कूच किया है, इस दौरान 22 गोदाम के नजदीक संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन भी किया। संविदा कर्मियों की मांग है कि करीब 500 संविदा कर्मी ITI सेंटर्स पर नियमित काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि ITI संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी संविदा कर्मियों को नियमित नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में संविदा कर्मियों ने मंत्री अशोक चांदना से मुलाकात भी की है। अभी हाल ही में ITI गेस्ट अनुदेशकों द्वारा
अपनी विभिन्न प्रकार की समस्या को लेकर वर्तमान राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों को व्हाट्सएप, ईमेल, ट्वीट, लिखित ज्ञापन हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश की आईटीआई के गेस्ट अनुदेशकों द्वारा दिया गया और राजस्थान के समस्त न्यूज़पेपरों में आईटीआई गेस्ट फैकल्टी की समस्याओं को प्रकाशित किया गया। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रदेश की आईटीआई के गेस्ट अनुदेशकों की समस्या केंद्र व राज्य सरकार तक पहुंच सके और इस समस्या का समाधान हो सके। मित्रों, ऐसी नई नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिल सके।